पूजा की थाली, रसोई में पकवान, मुबारक हो आपको दिवाली का त्यौहार। नमस्कार दर्शकों, दिवाली और ऐसे में कुछ पकवान न बने ऐसा कैसे हो सकता है। अभी हम मौजूद हैं नागपुर के सबसे फेमस शेफ भावनास किचन में, तो आइए देखते हैं उनकी पिटारा में क्या कुछ खास है इस बार दीपावली के लिए। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NBCN में। आपका भी स्वागत है भावनास किचन में। एंड मैं हूँ हेड शेफ ऑफ भावनास किचन, द ओनर ऑफ भावनास किचन। गाइज, अभी दिवाली बस 2 या 3 दिन पे रही है एंड आज हम बनाने वाले शाही बालूशाही। इसके बाद में ना ये शाही बालूशाही की रेसिपी आपकी हमेशा ही परफेक्ट बनने वाली है, विथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में ये रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई। तो चलिए देर किस बात की, आइए हमारे खास कार्यक्रम में आप भी इसके भागीदार बनिए। मैम, तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी, क्या कुछ खास बना रहे हैं आज हम बना रहे शाही बालूशाही, तो अभी स्टार्ट करते हैं। घी एंड इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ चुटकी भर नमक, जो चुटकी भर नमक है ना हर चीज़ में डालते हैं हम लोग भी। सो इसके अंदर पहले सबसे पहले घी ऐड कर देते हैं मोयन के लिए, खस्तापन के लिए इसको। एंड आपने देखा मैंने घी जो है ना एकदम रूम टेम्परेचर का लिया है, बिल्कुल डब्बे में से निकाल के आप डायरेक्ट यूज़ कीजिए। गर्म घी हमको बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। एक पिंच का मतलब एक पिंच, ठीक है। सो एक चुटकी गया है इसके अंदर नमक। ना ये क्वेश्चन होता है कि बेकिंग पाउडर कौन सी यूज़ करनी चाहिए, सो मैं सजेस्ट करती हूँ कोई भी डब्बे वाली, मैं किसी भी ब्रांड को रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी डब्बे वाली, जैसे मैं ब्लॉसम की, विकफील्ड की, इस टाइप के डब्बे, एंजल की यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के बॉक्सेस आपको मिलते हैं, बहुत सस्ते होते, 30 रुपीज़ का आई थिंक ये डब्बा होता है, तो ये अपने घर में होना चाहिए। जो केक में आप यूज़ करते हैं वही ये बेकिंग पाउडर है। सो इसको बस 1 टीस्पून लेना है। सॉल्ट, घी, मैदा एंड बेकिंग पाउडर, इन सबको हमको बहुत अच्छे से मिलाना है। मैं अभी तो स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ, देन मैं इसको हाथ से भी मिक्स करूँगी एकदम, इसको बिल्कुल बढ़िया से ब्लेंड कर देना है हाथों से। सो ग्लूटेन का मतलब होता है स्टिकीनेस, मैदे में स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा होता है गेहूँ के आटे के मतलब वर्सेस। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके, अभी देखिए पूरा का पूरा घी इसके अंदर मिक्स हो गया है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ये करके आटे को बस बांधना है, गूंथना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको देखिए पूरे आटे में मैं सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अभी बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, नॉर्मल है पानी, बहुत सारे लोग चिल्ड वाटर कोई नहीं ज़रूरत, इसमें आप नॉर्मल पानी यूज़ कीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर का घी यूज़ कीजिए। गुलाब जामुन का पेमिक्स आप इस आटे में मिला दीजिए, आपकी बालूशाही और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, ठीक है। सो ये बन गया है आटा, ठीक है, ये गूंथा नहीं है, बन गया है। सो ये देखिए ये आटा जो है ना ये इस फॉर्म में लेयर्स आप देख सकते हैं, देखिए आटे के अंदर लेयर्स, जो ये जो आटा हमने लगाया है, जैसे मैंने आपको जो ट्रेडिशनल बालूशाही होती है उसके साथ बनाया है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चाशनी की प्रोसेस। तो चाशनी बनाने के लिए हमको लगेगा एक पतीला, गैस ऑन किया है, एक पतीला हमने गैस पे रखा है, इसमें ऐड कर देंगे हम 3 कप शुगर। चाशनी बनाने के लिए हमको लगेगा 3 कप शक्कर, देन इसी कप से ये 3 कप शक्कर ली थी तो इसी कप से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 कप वाटर। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको पैसे में, अगर ये मेजरमेंट कप अगर नहीं भी है
आप कोई भी एक कटोरी घर की सेट कीजिए, उसी कटोरी से आप सारा मैदा एंड सारी शक्कर एंड उसी कटोरी से वाटर आप काउंट करके इसमें ले सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग बना रहे शुगर सिरप एंड शक्कर को अभी मेल्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको हर स्टेप पे बताऊँगी कि चाशनी कैसे होनी चाहिए। बहुत बार ना क्या होता है, हम लोग को ऐसे लगता है कि मेरी बालूशाही अंदर से ना बिल्कुल मीठी नहीं है, ड्राई आटे जैसे लगती है, ऊपर से बस परत आई है लेकिन उसमें भी शक्कर आ गई है, ऊपर से शक्कर आ जाती है। सो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए परफेक्ट मेजरमेंट होना ज़रूरी है, परफेक्ट टेम्परेचर होना ज़रूरी है। सो इसके लिए शुरू से मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, 300 ग्राम हमने लिया है शुगर एंड 1.5 कप यहाँ पे लिया है हमने, यानी कि 300 ml वाटर, ml से हमको वाटर लेना है। तो इसमें अंदर पानी और शक्कर अभी बॉयल आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर डाल देंगे हम 1/2 teaspoon इलायची पाउडर, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 teaspoon इलायची पाउडर। देन गाइस, एक थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ करने वाली हूँ, बिल्कुल ज़रा सा। आप इसकी जगह पे अगर केसर खाते हैं तो 7-8 केसर के धागे आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे बस 2-3 ड्रॉप येलो कलर ऐड कर रही हूँ, इससे ना खूबसूरत दिखेंगी अपनी बालूशाही। तो इसमें गया है येलो कलर थोड़ा सा।